बिल्कुल नेहा, और आम आदमी पार्टी जो है वो अब इस पूरे मामले पर सामने आकर भी बयान दे रही है। आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, सीबीआई की रेड हुई है दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीबीआई का, इसके बाद ईडी का, इनकम टैक्स का, सारे केंद्र सरकार के इन डिपार्टमेंट्स का हमारे यहाँ पे स्वागत है। हम इनको पूरा कोऑपरेशन करेंगे, और ये पहली बार रेड नहीं हुई है, इससे पहले भी कई बार रेड डाली गई, मनीष जी के यहाँ रेड डाली गई, केजरीवाल जी के यहाँ रेड डाली गई, केस दर्ज किए गए, खूब शोर मचाया गया, मिला कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिल पाया और इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा। आज देखिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए इतने फक्र का दिन है कि दुनिया में अमेरिका के सबसे प्रचलित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर पहले पेज पे, फ्रंट पेज पे दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की खबर को छापा गया है, मनीष सिसोदिया जी की फोटो उसमें छापी गई है, और सराहा गया है कि किस तरीके से भारत के दिल्ली शहर में एजुकेशन पे इतना शानदार काम कर रहे हैं दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। पूरे देश में, पूरी दुनिया में देश का डंका बज रहा है आज दिल्ली की वजह से, और प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, वो मनीष सिसोदिया जी के ऊपर उसी दिन छापा डलवा कर ये साबित करने में लगे हुए हैं कि जिस आदमी ने पूरे दुनिया में देश का नाम किया वो आदमी जो है वो भ्रष्टाचारी है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये बहुत छोटी राजनीति है, और मुझे लगता है लोग इस बात को समझ रहे हैं। सौरभ जी, जिस तरीके से सीबीआई की छापेमारी चल रही है, इस बात की आशंका पहले से ही आम आदमी पार्टी को थी, क्या लग रहा था आपको, ये क्यों किया जा रहा है, क्यों इस तरह की कार्रवाई हो रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर केंद्र सरकार डिपार्टमेंट्स में कहती है कि भाई अब ना पहले सतेंद्र जैन को फंसाना है, कुछ ढूंढो, तो केंद्र सरकार के अंदर कई अफसर हैं जो हमारे भी टच में रहते हैं, और वो बता देते हैं कि साहब ऊपर से ऑर्डर आया है प्राइम मिनिस्टर कार्यालय से कि सतेंद्र जैन को फंसाना है और इनको इस महीने उठाना है। तो हमने बताया कि जैन साहब को उठाया जाएगा, इन्होंने उठाया। उसके बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि हमें खबर मिली है कि अब मनीष सिसोदिया को फंसाने की जिम्मेदारी जो है ईडी और सीबीआई को दी गई है। उसके ऊपर देखिए, जैसे जैसे हम बता, क्योंकि स्क्रिप्ट केस, देखिए ये इस हिसाब से नहीं है कि कोई क्राइम हुआ, कहीं रिपोर्ट हुई, किसी को पकड़ा गया, कोई ऐसा नहीं, ये एक स्क्रिप्ट है, ये एक तय पटकथा है जो प्रधानमंत्री कार्यालय में लिखी जाती है, और उस हिसाब से जो सब कुछ चलता है। कुछ दिनों में आप बिहार में भी देखेंगे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि दिल्ली की चर्चा पूरी दुनिया में किस चीज के लिए है, स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए, अस्पतालों के लिए, मोहल्ला क्लिनिक्स के लिए। इन्होंने सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य मंत्री को उठा लिया, उनको जेल में डाल दिया। अब इनकी आंखों में शिक्षा खटक रही थी, न्यूयॉर्क टाइम्स तक जो है इसकी बातचीत हो रही है, तो इन्होंने अब हमारे शिक्षा मंत्री के ऊपर रेड डाल के उनको बदनाम करने की कोशिश की। बदनाम हम नहीं हो रहे, बदनाम देश बदनाम हो रहा है कि किस तरीके की सियासत जो है भारत की केंद्र सरकार अपने ही लोगों के साथ कर रही है, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। सौरभ जी, आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम हो रहा था, यही वजह है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को टारगेट किया गया। इस लिस्ट में अगला टारगेट कौन है? ये तो जैसे ही खबर आएगी, ये खुद मुख्यमंत्री जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। अभी तो ये दोनों, इनके जो सरकार है पूरी तरह से इन दोनों के पीछे जो है लगी हुई। यानी कि ये जो इस वक्त सीबीआई की छापेमारी चल रही है सौरभ जी, 20 ठिकानों पर रेड हो रही है, मनीष सिसोदिया क्लीन है, आपकी पार्टी की तरफ से भी उनका समर्थन किया जा रहा है, तो क्या डर है फिर इस तरीके की कार्रवाई जो है वो क्यों आपको परेशान कर रही है, उसके लिए क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है? आप, मुझे लगता है कि आप एक बात समझेंगे, आप तो टीवी के एंकर हैं, आपको तो वोट भी नहीं मांगना पड़ता, मगर कोई पुलिस वाला आपके घर पे आ जाए, कह दे जी आपने किसी को गाड़ी से मार दिया और उसका पैर टूट गया, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, आप हो सकता है गाड़ी चलाती ही ना हो, आपको गाड़ी चलानी ही ना आती हो, मगर पुलिस वाले ने तो आप पे मुकदमा दर्ज कर दिया, अब आप जाइए कोर्ट में धक्के खाइए, बताइए कि आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, समझाइए उनको, परेशान तो आप होंगी ना। आपके ऊपर जबरदस्ती आपको टारगेट किया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपके घर में छापा पड़े, आपका एक स्कूल में जाने वाला बच्चा है, आपकी पत्नी है,
उन 20 लोगों के यहाँ जहाँ छापे मारे उनके परिवार हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके घर में बच्चे हैं, वो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में जाने वाले बच्चे से उसके सहपाठी पूछेंगे भाई क्या हुआ, तुम्हारी मम्मी के यहाँ रेड पड़ी, तुम्हारे पापा के यहाँ सीबीआई ने छापा मारा, ये अपने आप में एक हैरेसमेंट है। ये तो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। अब बड़ी बात ये है, हम सब जानते हैं कुछ दिनों पहले गुजरात के अंदर जहरीली शराब से सैकड़ों लोग मर रहे हैं। आज तक आपने सुना कि सीबीआई ने ईडी ने रेड मारी हो कि भाई इतनी बड़ी तरीके से पूरे गुजरात में ऑर्गेनाइज तरीके से नकली शराब कैसे जाती, क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि वो सब जो है भारतीय जनता पार्टी के संबंधित लोग हैं। गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई पोर्ट के ऊपर और उसके बाद फिर पकड़ी गई। 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाए और उसके अंदर कोई ईडी का छापा ना पड़े, कोई सीबीआई की रेड ना हो, क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। व्यापम का घोटाला हुआ, आपके आज तक का एक जर्नलिस्ट, उसके अंदर उसकी हत्या कर दी गई, उसके अंदर कोई सीबीआई जांच हुई, कोई ईडी की रेड हुई किसी नेता के घर पर? नहीं हुई, क्योंकि वो सब लोग बीजेपी के लोग हैं। अब देश के लोग ये बात समझते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार के नाम पे कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई सिर्फ अरविंद केजरीवाल और विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई है, इसका भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। और जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जब इंदिरा गांधी ने जुल्म किए थे तो इंदिरा गांधी भी सारी बातें कानून के संगत बताती थी, उस वक्त भी सरकार ये कहती थी नहीं जो सब कुछ हो रहा है कानून के मुताबिक हो रहा है, मगर जनता सब समझती है, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है और जनता इसका जवाब देगी। बीजेपी ये कह रही है कि सिसोदिया जो है वो खुद को बेचारा दिखा रहे हैं, इस वजह से इस तरीके के बयान दे रहे हैं। अब देखिए, सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी अभी इतने बड़े लोग तो नहीं हुए हैं कि दुनिया के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में अपना फ्रंट पेज का कॉलम छपे उनका और उनकी फोटो छपे, वो तो मोदी जी भी नहीं छपा पाए अभी तक। आज तक की तारीख में मोदी जी की तस्वीर तारीफों के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स में पहले पेज पर नहीं छापी है। तो ये तो देखिए, आप अगर काम करेंगे तो आपके काम की चर्चा होगी। आज चाहे कितनी बुराई है समाज में, मगर एक चीज अच्छी है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग आपकी तारीफ करते हैं। इससे पहले भी सौरभ जी ने देखा था कि लगातार ये कहा जा रहा था कि आप क्लीन हैं, सतेंद्र जैन के लिए कहा गया आपके सीएम की ओर से, फिर मनीष सिसोदिया के लिए कहा गया, पहले भी रेड हुई कुछ नहीं मिला, इस बार भी ये कहा जा रहा है कि रेड होने दीजिए कुछ नहीं निकलेगा, कोर्ट का भी रुख कर चुके हैं। तो कोर्ट पर अब आपने छोड़ दिया है सब कुछ या फिर आप वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाएंगे, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए मैं आपको बताऊं, अब क्या है, केंद्र सरकार कुछ कानूनी पेचीदगियों का सहारा लेती है, उसके अंदर जैसे पीएमएलए के केसेस हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो केसेस हैं, उसमें जो बेल केस पूरे के पीछे प्रावधान है वो क्रिमिनल लॉ से बिल्कुल अलग है। इसके अंदर ऐसा है कि जैसे आपके ऊपर पुलिस ने मुकदमा कर दिया कि आपने गाड़ी से किसी की टांग तोड़ दी, अब उसको साबित नहीं करना कि उसकी टांग आपकी गाड़ी से टूटी है ना, ये पुलिस को साबित करना, आपको साबित करना है कि साहब आपने नहीं तोड़ी। अब आप बताइए कि आप कैसे साबित कर सकते हैं? तो जब तक आप साबित करेंगे तब तक आप जेल में रहेंगे। यही पीएमएलए एक्ट के अंदर, जिसके अंदर सत्येंद्र जैन साहब को बंद किया है इन्होंने, जिसमें इन्होंने कई लोगों को जो है बंद किया हुआ है अपोजिशन के, वो इस कानून का एक दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि ये कानून बना था टेररिज्म के खिलाफ कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर फंडिंग वगैरह आती है उसको कानून की पेचीदगियों में ना फंसा कर उन लोगों को बंद किया जाए।